यही ऐसा है। थोड़ा ये ऑब्जेक्ट जूम आउट करो, करें। थोड़ा सा। अब इसका सवाल क्या है? इसके अंदर ये है कि पहली बात ये नहीं, क्वार्टरली डेटा है। सवाल यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ से सिर्फ डेटा यूज किया गया। सवाल अलग से लिखवाया गया था क्लास के अंदर, तो हाँ, सवाल वो में नीचे बोला वाले गया था। पेज पे है ना, इसके अगले पेज पे सवाल है ना। हाँ ये रहा, तो ये बोला गया था कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग क्वार्टरली डेटा, और द, रेफ्रिजरेटर जो है वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सही है। फिर इसके ग्राफ प्लॉट करने और रिग्रेशन लगाने हैं, लेकिन ये रिग्रेशन ही है लेकिन क्वार्टरली डेटा है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे कोडिंग होगी जो हम पहले किया करते थे थर्ड ईयर। सही है। करना ये कि ना हर ईयर को 4 दफा लिखना है, क्योंकि हर सही ईयर है, की सही 4 दफा वैल्यू है। है। और फिर फ्रिज की जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है ना, वो उसी डेटा से ली गई है और सही है। कोडिंग कर कोडिंग दी है से। सही के दस्ते की है। है, बंदे बंदी रहा कैसे किया ये? ये मुझे लग रहा है SPSS पे ही हुई है। नहीं, ये EVS पे ही है, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो पहले से बना के डाली हुई है ना EVS के ऊपर। ये वाली लैब मैंने कराई भी है। चलो तुम करो फिर। सही है, ये आसान या मैं करूं? लेवल तो मैं करनी है, तुम कर लो। इन जरा सी ऑब्जर्वेशन भी ज्यादा नहीं है, नहीं, मैं उसी तो तरह मैं बता रहा ऑब्जर्वेशन हूँ ना में, करना क्या। तुम्हें तुमने करना चलो ये मैं है कि रिव्यूज पे जाओ, स्क्रीन शेयर कर लो, मैं बताता हूँ। कर दो बस। हमें ग्राफ बना के और रिग्रेशन लगानी। हाँ, तुम EVS खोलो। हाँ EVS में तुम फाइल, न्यू वर्क फाइल पे जाओ। क्वार्टरली पे क्या है, स्टार्ट डेट हमारी है 1978, और एंड डेट हमारी क्या थी? एक 85 मिनट। हाँ, 85 है। बेटा आगे। सही है। आप डेटा लिखोगे तो हम डेटा में एयर का कॉलम बनाओ बाई ईयर, फिर फ्रिज। एयर तो बना हुआ आएगा शायद। नहीं, बनाना पड़ेगा। फ्रिज और फिर D1, D2, D3, D4। ये हमें गिवन है। ये गिवेन नहीं है, हमें खुद जब भी क्वार्टरली मिलेगा ना, हमें उस तरीके से कोडिंग करनी होगी। अब इंटर करूँ, अब अब देखो फुल यार, स्क्रीन कर लूँ। देखो यार, ये एयर तो सब लिखे हुए हैं ना, हमने गलती की है ना, एयर लिख के दोबारा गलती नहीं की है, देखो। क्यों? हम सब एयर लिखे लिखेंगे। हुए, 1 2 3 4, अच्छा हाँ, सही बोल लो, सही बोल लो। इसको मिटा दो, ये नहीं कर रहा है, ख्वार हो जाएंगे हम एयर लिखने में। दोबारा कर चलो लो। हाँ ये तुम ठीक बताओ, है। अब फ्रिज का डेटा है, मैं एक देख लेता हूँ पीछे डेटा। बताओ मेरे पास वन भाई। थ्री 17, हाँ 1615, हाँ 1662, 1295, हाँ 1271, वन हाँ ट्रिपल फाइव, 1639, हाँ 1238, हाँ 1277, 1258, 1417, हाँ 1185, 1196, 1410,
919, 943, 1175, 1269, 973, 1102, 1344, 1641, 1225, 1429, 1699, 1749, 1117, 1242, 1684, 1764, 1328. नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। 1328 लास्ट है। करो मैं तो दोबारा से काउंट करूंगा। नहीं तुम्हारी सही जा रही थी, एंड से देख लो, एंड में कुछ हुई भूले हो। मैं बता देता हूँ 1328। हाँ लिख दो ना। अच्छा नहीं तुम लिखते जाओ ना ताकि फिर देखने में ही सही हो जाए। 1328 फिर है 1764, 1684, 1242, भाई एक मिनट ऐसे ना मत। हाँ फिर 1117, फिर 1749, फिर 1699, फिर 1699, हाँ फिर 1429, फिर 1225, 1225, फिर 1641, बाबू मुझसे गलती नहीं हुई तुम्हारे को। हाँ बोलो। फिर 1344, फिर 1102, फिर 973, फिर 1269, 1175, 943, शुरू में मसला है। फिर है 74, नहीं फिर है 919, फिर है 1417, सेवन हाँ हाँ और ऊपर वाले से ऊपर 1410। चलो सही है, सही हो गया। अब बस वो कोडिंग कर दो। अब कोडिंग कैसे करनी है? कोडिंग सिंपल है, क्वार्टर वन में वन डालो बाकी सब में जीरो, फिर क्वार्टर टू में वन डालो बाकी। नहीं नहीं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, अच्छा हर अच्छा ओके 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 ऑब्जर्व। ओके समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। सॉरी 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 सॉरी, सबके क्वार्टर वन में वन। नीचे से आएगा ना, ऊपर से थोड़ी आएगा, गलत डालो, फ्रिज के बराबर में नहीं। यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिखिए, वहां से करोगे। अच्छा भाई ओके, यहाँ से करो, यहाँ वन आ जाएगा। नहीं उसके बराबर में भी तो लिखो वन, फिर उसके साथ लाइन से जीरो जीरो। अबे यार अभी सही, अब सही तो कर रहा हूँ, सबके क्वार्टर वन में वन आएगा ना। हाँ ये इस तरह भी सही है। ऐसे सही है ना यार दादा, देखते रहना। नहीं ये क्या कर रहे हो, जीरो आएगा इधर। सही है, सही है। अब इधर जीरो। अच्छा हाँ इधर तो जीरो लिखो, जीरो। नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, ऊपर टॉप वाले पे तो जीरो आएगा ना। हाँ क्यों ऐसा क्वार्टर भाई टू है ये? एक लाइन के अंदर अगर एक बार वन आ गया ना तो दूसरी बार वन नहीं आता। अब इसके क्वार्टर टू में वन आएगा? हाँ अच्छा ठीक है, ये जीरो जीरो रहेगा यहाँ। हाँ सही है। तो लगेगी नहीं लगा।
क्या करना है? सवाल क्या है अब? हेलो, हाँ प्लॉट लिखो ना, प्लॉट फ्रिज। अरे भाई, मुझे पता नहीं ना कि क्या करना है। तुम चुप हो गए ना यार, मुझे वो थोड़ी पता है। बस प्लॉट क्या करना है? फ्रिज? फ्रिज लिखो। हाँ बस सिर्फ फ्रिज प्लॉट करना है? फ्रिज। क्यों, बाकी चीजें? अभी पहला काम ये पार्ट ए के अंदर यही बोला गया था, फ्रिज प्लॉट करो, इंटर कर दो। ये तुमने ड्रॉ कर लेने, और अब इसके क्या ऊपर प्लॉट? कमेंट कमेंट करना है इसके ऊपर, के ना सीजनल ट्रेंड है ये, क्योंकि फ्रिज की जो टेल्स होती है ना वो सीजनल होती है। सही सही है। उसके बाद तुमने रिग्रेशन लगाने, LS फ्रिज, फिर D1 D2 D3 D4। प्लॉट, बाकी इसको चीजों को प्लॉट प्लॉट नहीं करना है। अच्छा, नहीं बस इसको करना ना, उसके बाद रिग्रेशन लगाना। आएगा ना बीच में सी? सी नहीं आता यहाँ पे, क्वार्टरली क्यों रिग्रेशन में सी नहीं आता, ये बात याद रखिए। लो भाई, डायरेक्ट आएगा? हाँ डायरेक्ट D4 लिख दो। D4 नहीं लिखा यार तुम, अरे क्लोज अभी कर लिख दो अब लेते हैं जाने। उसका। यार क्लोज क्यों कर लें अभी? 1 मिनट में कर लेंगे यार। ये इसमें नहीं अच्छी तुमने, बात हाँ है। अरे हाँ ये आ गया, सेम आंसर आ रहे हैं जो, मतलब हाँ सेम है फाइल R² वाली। अब R² तो अच्छा नहीं है इसमें। आर स्क्वायर अच्छा नहीं है तो हम कमेंट कर देंगे कि आर स्क्वायर ये, लेकिन आर स्क्वायर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कमेंट ना यहाँ पे कोफिशिएंट्स के हैं। तो हम देख रहे हो कोफिशिएंट में सबसे ये बड़ा है कि D1 का है पहले क्वार्टर में। नहीं, सबसे बड़ा तो हमारा वो है ना D3 है, 1500। हाँ सही है। तीसरे क्वार्टर में सबसे ज्यादा बिके हैं। तीसरे क्वार्टर में सबसे ज्यादा बिके हैं और सबसे कम बिके हैं चौथे क्वार्टर में, तो इस तरह हम कमेंट करेंगे कि सेल्स हैं वो इस क्वार्टर में लार्जेस्ट हैं, इसमें लोएस्ट सॉल्यूशन हैं। है इसका? किया हुआ है तो खोलो। सोल्यूशन PDF फॉर्म में नहीं है, चलो ठीक वैसे है, फाइल मसला में नहीं। करो। कमेंट इसी तरह करेंगे कि ना ये लार्जेस्ट वैल्यू है और इसका इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इस सही है। क्वार्टर का इफेक्ट। तो ये लैब भी हो गई, आप लैब 4 देखते हैं एंड करके मीटिंग। मीटिंग एंड करो, फिर तुम शेयर करना, क्योंकि मेरे पास तो मसला आ रहा है उसमें। शेयर एक काम करें, हमने डेटा वैसे यहाँ डाला हुआ है तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं वैसे हमारे पास वो आ रहा है या नहीं आ रहा रिजल्ट। ये आ रहा है ना, देखो। आप कैसे आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहा है। यार कहाँ पे गए हो? मैं तो यहाँ गया हूँ, व्यू में गया था, रेजल्ट डायग्नोस्टिक्स, उसके बाद हाँ हिस्टोग्राम। यही यही बोला गया चलो था अल्लाह उधर। माले के दोबारा करते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए एंड करिए। कर दो।